प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे हरियाली तीज। सावन का महीना में घर रिमझिम रिमझिम बरसें। तो यह गीत सुनाई देने लगे तो समझो सावन का महीना आ गया है और तीज का त्यौहार आने वाला है। यह एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे हरियाणा में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। सावन मास यानी कि बारिश का महीना। सावन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन इसे मनाया जाता है। अब ये शुक्ल पक्ष क्या होता है तो आपको पता है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। तो अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक जो बीच में 15 दिन होते हैं उसमें चंद्रमा धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाता है तो इसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो पूर्णिमा आने के बाद चंद्रमा जो है वो धीरे धीरे घटने लगता है तो इसके अगले 15 दिन होते हैं उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष जब अमावस्या के बाद चंद्रमा अपना आकार बढ़ाता है तो अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का समय शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को, तृतीया मतलब अमावस्या के तीसरे दिन इसे मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम हरियाली तीज है। तो तीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीसरे दिन आता है, अमावस्या के तीसरे दिन, और हरियाली तीज इसलिए क्योंकि उस समय पर चारों तरफ हरियाली होती है तो इसका नाम पड़ गया हरियाली तीज। तो चलिए तपती गर्मी के बाद वर्षा की फुहार, खेतों की हरियाली, पेड़ों पर पड़े झूले, झूला झूलती महिलाएं और सावन के गीतों से मन में एक हिलोर सी उठने लगती है। हिलोर मतलब तरंग सी उठने लगती है, उनमें प्रसन्नता सी होने लगती है। तो फुहार क्या होता है, जब बारिश के मौसम में वो छोटी छोटी बूंदें पड़ती हैं ना, उनकी झड़ी लग जाती है, बारिश रुकती नहीं है, छोटी छोटी बूंदें गिरती रहती हैं तो उसको फुहार कहते हैं। तो बालिकाएं अपनी माँ से कहने लगती हैं, तो क्या कहती हैं सुनते हैं। बालिकाएं अपनी माँ से कहने लगती हैं यानी कि छोटी छोटी लड़कियां अपनी माँ से कुछ कहने लगती है। आइए जरा देखते हैं क्या कहती हैं। झूलन जांगी माँ मेरी बाग मेरी एरी कोई संग सहेली चार। झूलन जांगी बाग में झूलन जांगी माँ मेरी बाग मेरी। तो यहाँ पर बालिकाएं छोटी लड़कियां माँ से कह रही हैं कि माँ मैं बाग में झूलने जाऊंगी और मेरे साथ चार सहेलियां भी जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। तीज से कई दिन पहले लंबे और मजबूत टहनों की पहचान करके अपना निशान लगा दिया जाता है। सब अपनी अपनी टहनियां चुन लेते हैं ताकि कोई दूसरा उस पर झूला न डाले। इस प्रथा को डाला रोकना कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप स्कूल में अपनी सीट रोकते हो। समझ गए। तीज से पहली रात को महिलाएं तथा बच्चे मेहंदी रचाते हुए गीत गाते हैं। सुबह उठने पर मेहंदी को एक दूसरे को दिखाकर खुश होते हैं। और क्या गीत गाते हैं
आइए सुनते हैं। बोलोरी ननद मेहंदी के पात, रगड़ रचायो मेहंदी जी आज। धोलोरी ननद मेहंदी के पात, रगड़ रचायो मेहंदी जी आज। तो यहाँ पर भाभी अपनी ननद से कहती है कि मेहंदी के पत्तों को धो लो और आज रगड़ रगड़ कर मेहंदी रचा लो। तो ये देखिए, ये इस तरह से तीज मनाई जा रही है, झूला झूल रहे हैं और देखिए मोर नाच रहा है, चारों तरफ हरियाली है, बारिश हो रही है, इंद्रधनुष भी निकला हुआ है, पूरी तरह से खुशी का माहौल है। चलिए आगे चलते हैं। दोपहर बाद बाग, तालाब, जौहड़ या अन्य स्थानों पर भारी भरकम पेड़ों पर डाले गए झूलों पर महिलाएं झूलती हुई नजर आती हैं। देर रात तक भी महिलाएं गीत गाती हुई झूलती रहती हैं। तो वो क्या गीत गाती हैं, आइए सुनते हैं। झूलती है, आइए सुनते हैं। संग की सहेली माँ मेरी झूलती जी, हमने झूलण का ए माँ मेरी चावे जी। एरी आई से रंगीली तीज, झूलण जांगी ए माँ मेरी बाग में जी। तो यहाँ पर बेटी अपनी माँ से कह रही है कि माँ मेरे संग की सहेलियाँ झूला झूल रही हैं, हमें झूला झूलने का बहुत शौक है, रंगीली तीज आ गई है, मैं भी बाग में झूला झूलने जाऊंगी। तो लड़कियाँ विवाह के बाद पहली तीज पिता के घर में सहेलियों के साथ मनाती हैं। इस समय ससुराल से उनका सिंधारा आता है, जिसमें रेशमी फूल के अतिरिक्त वस्त्र तथा सुहाग की वस्तुएं, चूड़ी का जोड़ा आदि होता है। और जिनकी शादी हो गई है तो वो पहली तीज अपने पिता के घर मनाती हैं और ससुराल से उनके यहाँ कुछ सामान आता है जिसे सिंधारा कहते हैं। भाई अपनी बहन के घर कोठली लेकर जाने के लिए माँ से कहता है। तो शादी होने के बाद जिनकी पहली तीज होती है वो अपनी पहली तीज तो पिता के घर मनाती हैं और जो बाकी हैं वो ससुराल में ही मनाती हैं, और जो उनके भाई हैं वो उनके पास कुछ मिठाई लेकर जाते हैं जिसे कोठली कहते हैं। तो सुनते हैं भाई क्या कहता है। मीठी तो कर दे माए कोथली, सावन रियाया गूंजता, जाऊंगा री मेरी बेबे के देश, सावन आया री गूंजता। तो यहाँ पर ये जो मिट्टी लिखा हुआ है ना, ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए मीठी। कोथली में पकवान होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, तो ये मिट्टी गलत लिखा हुआ है, ये होता है मीठी। तो लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ मीठी तो कर दे माए कोथली, माँ मुझे मिठाइयाँ दे दे, पकवान दे दे, सावन आ गया है, मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा। भाई के कोथली लेकर आने की खबर सुनकर बहनें गा उठती हैं, सुनते हैं।
आया तीजा का त्योहार, आज मेरा वीरा आवेगा। आया तीजा का त्योहार, आज मेरा वीरा आवेगा। सामन में बादल छाए, सखियां ने झूले पाए। सावन में बादल छाए, सखियां ने झूले पाए। मैं कर लूँ मौज बहार, आज मेरा वीरा आवेगा। मैं कर लूँ मौज बहार, आज मेरा वीरा आवेगा। तो यहाँ पर बहनें कहती हैं कि तीज का त्योहार आ गया है, आज मेरा भाई आएगा। वीरा मतलब भाई। सावन के महीने में बादल छा गए हैं, सखियों ने सहेलियों ने झूले टाल लिए हैं। मैं आज खुशियां मनाऊंगी, आज मेरा भाई आएगा। इस अवसर पर घरों में सेवइयां, खीर, गुलगुले, पूड़े, सोहाली बनाई जाती हैं। सोहाली मतलब मीठी पूड़ी। इस त्यौहार पर घेवर, फेनी आदि मिठाइयाँ बाजार में विशेष रूप से दिखाई देती हैं। इस त्यौहार की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य में बहुत से स्थानों पर तीज के मेलों की व्यवस्था की जाती है। लोकप्रियता मतलब प्रसिद्धि को देखते हुए मेले में पींग झूलने, पींग मतलब झूला झूलने, तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी शामिल होते हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें नृत्य किया जाता है, गीत गाए जाते हैं। इस दिन जहां झूलों पर रंग बिरंगी ओढ़नियां लहराती हैं, ओढ़नी आप जानते हैं जो सिर पर चुन्नी डालते हैं उसे ओढ़नी कहते हैं, वहीं आसमान भी पुरुषों द्वारा उड़ाई गई रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। तो महिलाएं झूला झूलती हैं और पुरुष पतंग उड़ाते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान पतंग और डोर लेकर खुले मैदानों में पहुंच जाते हैं और पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। बीच बीच में ये काटा वो काटा का शोर पतंग काटने की खुशी को दर्शाता है। तभी सबके मन का पपीहा गा उठता है। पपीहा एक पक्षी होता है जो बहुत ही मीठा गाता है। तो तीज वाले दिन भी सभी खुश होते हैं और वो गाने लगते हैं। क्या गाते हैं आइए सुनते हैं। पपीहा गा उठता है यानी कि सबके मन में एक ही आवाज आती है, वो एक ही गीत गाते हैं। कब आवेगी तीज सखीरी, बाट में देखूं आवण की, बाट में देखूं आवण की। चोगर देने बाग हरा, घनघोर घटा से सामण की, घनघोर घटा से सामण की। तो इस तरह से सभी खुशी पूर्वक तीज का त्यौहार मनाते हैं और अगले वर्ष आने वाली तीज का बेसब्री से इंतजार करते हैं।